हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं दीपा सिंह आपको स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। तो आज मैं आपको यहाँ पे एक पिग नोज भी करके दिखाऊंगी। सिंपल सी है, देखिए। अभी मैं आपको चलिए दूसरी चीज़ दिखाने वाली एक्चुअली। यहाँ पे वीडियो दूसरी चीज़ के बारे में है, वीडियो है नोज रिंग के बारे में और नोज पिन के बारे में, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इसको रिमूव करें और कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इसको लगा सकते हैं। तो जो यहाँ पे मैंने यूज़ करी है ना, ये बहुत ही सिंपल है। देखिए बहुत ही सिंपल है, इजीली है, ये इजीली रिमूव भी हो जाती है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि बस ये सिंपल है, कोई वर्क भी नहीं किया हुआ है इसमें। बस इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप जब भी कोई क्रीम या फेस वॉश या कुछ भी लगाते हैं तो इसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बिल्कुल भी दुखता नहीं है, हिलता नहीं है, ये कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसलिए मैं ये सिंपल वन वाली यूज़ करती हूँ और इसको निकालना भी बहुत ईजी होता है। इसमें कोई भी वर्क नहीं किया हुआ है, तो इसको बोलते हैं नोज रिंग। ये है मेरी नोज रिंग, ठीक है। तो अभी इसको भी रिमूव करके दिखाऊंगी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे देखिए छोटा सा बॉक्स है, ये शिप का बॉक्स है, गोवा से परचेस किया था। तो इस तरह के बॉक्स में ही रखती हूँ मैं, क्योंकि इसमें ना काफ़ी अच्छे से सामान मतलब कैरी हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको कैरी करनी हो पर्स में, तो आप देखिए इस तरह के आइटम्स में परचेस कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इसका जो ढक्कन है ना काफ़ी टाइट है। तो इसमें इसी में रखती हूँ। तो इसमें मेरी दो से तीन रखी हुई हैं और भी चीज़ें इसमें, एक्चुअली इयरिंग्स भी रखी हुई है इसमें, वो थोड़ा टूट गई थी तो इसलिए इसमें रखना काफ़ी सेफ होता है। तो मैं इसी तरह के बॉक्स में रखती हूँ। तो मैं दिखा देती हूँ आपको, देखिए ये एक्चुअली ना तनिष्क से खरीदी थी, दिख रही होगी आपको। देखिए काफ़ी प्रीटी थी ये, एक्चुअली बहुत ही प्यारी थी, लेकिन इसके ना नीचे का झड़ गया है। बट इसको नोज रिंग की तरह यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा मोटी है इसलिए। तो चलिए अभी मैं आपको, ये मेरे पास हैं दो एक्स्ट्रा और, ये भी सोने की थी पर पता नहीं काली क्यों पड़ गई है। असली सोने की थी ये, प्राय काफ़ी महंगी भी थी पर पता नहीं क्यों काली पड़ गई। ये तो बिल्कुल काली नहीं पड़ी, देखिए ये दिख रही होगी आपको, काफ़ी प्रीटी है ये भी, शायद क्लियर नज़र नहीं आ रहा है इसमें। तो ये भी काफ़ी सुंदर है, मेरे को पसंद आ गई थी तो इसलिए मैंने ले ली। तो ये देखिए इसको मैं आपको दिखाऊंगी। ये काफ़ी एक्चुअली जो वीडियो है रिक्वेस्टेड वीडियो है, और इसलिए मैं भी इसलिए भी दिखा रही हूँ आपको। इस तरह की वीडियोस मैं पहले भी बना चुकी हूँ। तो देखिए ये है, ये अगर सही से दिख रहा है तो, और मुझे लगता है क्लियर नहीं आ रहा है शायद, ये क्योंकि मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया हुआ है ना, तो इसलिए शायद इतना क्लियर इसकी आ नहीं रही है, इसकी जो इमेज है इतनी क्लियर आ नहीं पा रही है फ्रंट में, बट है काफ़ी प्रिटी है। तो चलिए मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ सबसे फर्स्ट आपको। इसको निकालना भी काफ़ी ईजी है, ये देखिए यहाँ से जैसे खुला हुआ है तो इसको बस खींचना होता है थोड़ा सा, और खींच दिया मैंने, देखो खुल गई है ये। तो बस इसको रिमूव कर दूंगी मैं ऐसे, ये देखिए आराम से रिमूव हो गई है ये वाली जो है मेरी, ये सिंपल है। तो सिंपल है ये, देखिए बस रिंग सी है छोटी सी और सस्ती भी थी ये। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ ये नोज रिंग, नोज पिन। ये नोज पिन दिख रही है, देखिए नोज पिन ये इस तरह की है, ये नोज पिन। तो इसको दिखाती हूँ मैं आपको लगा करके, और देखिए इस तरह की है ये। इसको मैं निकाल देती हूँ इजीली, ये देखिए निकल गई है, थोड़ी ढीली भी हो गई है ये। बस इसको जस्ट आपको अपने नोज़ में, देखिए चली गई है नोज़ में, इजीली चली गई है। बस इसको ऐसे ऊपर करके, ये देखिए पीगी नोज ही बन गई है मेरी, आजकल काफ़ी चली हुई है ये वाली वीडियो, पीग मसाज वाली। तो इसको लेके अभी आपको या शीशे में देख लीजिए, या आप अपने आप से आइडिया लगा लीजिए जहाँ पे इसका ये छेद होता है ना, होल होता है इसमें, तो होल में आपको इसको फंसाना होता है। देखिए फंस गई है ये, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ना आइडिया हो जाता है जब लगाते लगाते, तो देखिए लगाते लगाते क्या होता है ना, आइडिया आ जाता है कि किस तरह से लगाते रिमूव करते हैं। तो इस तरह की मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि जब आप फेस वॉश या कहीं ऐसे जाते हैं ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा इस तरह से निकलने के भी खैर इसके चांसेस होते हैं, अगर टाइट हो तो नहीं होते, बट दुखता काफ़ी है ये, तो इसलिए मैं इस तरह के कम ही यूज़ करती हूँ। बट काफ़ी प्रीटी लगती है ये देखिए। तो मैंने दिखा दिया आपको इसको लगा के, अब मैं इसको रिमूव करके, रिमूव करना तो इसको बहुत ईजी है, अगर काफ़ी टाइम हो गया ना अगर आपको, तो काफ़ी इसको मुश्किल हो जाता है रिमूव करना, क्योंकि जम जैसी जाती है। बट आप एक किसी भी थ्रेड की मदद से इसीलिए इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ, देखिए ये इसको यहाँ से पकड़ना है, नीचे से खींचिए और दोनों साइड से खींचिए, और ये देखिए आराम से निकल जाएगी। बस आपको इसको फंसा देना, ये देखिए इसका जो पिन है नीचे वाला, ये देखिए फंस गई है। तो काफ़ी बड़ी है ये,
तो अभी मैं आपको दूसरी वाली दिखाती हूँ। देखिए ये वाली क्या, ये नोज रिंग है, थोड़ी काली हो गई है बट है सोने की, गोल्ड है ये। इसमें क्या सिस्टम है ना, इसका सिस्टम देखिए इस तरह का आइए, जब इसको यहाँ पे इसको टक करते हैं तो इसका क्या है कि जब आपके नीचे को इसको डालते हैं, इसको बस थोड़ा सा ऐसे प्रेस करना होता है तो ये इसके अंदर फंस जाती है। सॉरी इसमें थोड़ा ना क्लियर आ नहीं पा रहा है फ्रंट कैमरा में, तो ये देखिए फंस गई है ये। तो जब हम इसको डालते हैं ना, इसको डालने के लिए क्या करना पड़ता है, सो फ्रेंड जब इसको नोज में डालते हैं तो इस वाली साइड को हमेशा ऊपर रखते हैं, इस वाली, क्योंकि अंदर दब जाती है। ऐसे अंदर से नहीं डालते इसको, ऊपर से डालते हैं। तो ये वाला जो है, ये जहाँ पे टक करने वाला है, इसको देखिए ये छेद हो रखा है, जो होल है हमारा नोज होल है। तो जो हमारा नोज होल है उसके अंदर देखिए डाल दूंगी मैं इसको, थोड़ी काफी टाइम के बाद इसको यूज कर रही हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए ये अंदर फंस गई है। अब इसको बस जस्ट आपको ऊपर की तरफ ऐसे प्रेस करना होता है इसको। जैसे हम ऊपर की तरफ इसको प्रेस करते हैं ना फ्रेंड, तो ये अपने आप ही अपनी पोजीशन ले लेती है और टक हो जाती है। देखिए फंस गई है ऊपर, तो ये देखिए आराम से ये फंस जाती है, दिख रही होगी आपको देखिए। तो इस तरह से, और इसको निकालना भी इजी होता है, बस थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ इसको खींचना पड़ता है, थोड़ी सी बाहर की तरफ। जैसे हम बाहर की तरफ खींचते हैं तो ये देखिए बाहर को आ जाती है ये, और ये बाहर को आ गई है। तो इस तरह से इजीली रिमूव भी हो जाती है ये और टक भी हो जाती है। तो ये थ्री अलग अलग तरह की जो नोज रिंग और नोज पिन थी, मैंने आपको ट्राई करके बताई। तो यहाँ पे ना ये मेरा एक्चुअली ये इयररिंग है, तो इसको भी जस्ट एज जैसे मराठी लोग होते हैं ना, तो उस थोड़ी वो लंबी जैसी पहनते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी है। ये है, ये जो है ना, ये रोज़ गोल्ड है एक्चुअली, तो इसमें डायमंड लगा हुआ है। और इसका जो सेकंड वाला, ये इसी का है ये, तो इसका जो डायमंड वाला था ना तो निकल गया था वो, ये देखिए खो गया था। वैसे मैंने पूछा था तनिष्क वाले से, बट उन्होंने बोला था नहीं निकलेगा नहीं, लेकिन ये देखिए निकल गया इसके नीचे का। तो इसको भी मैं आपको टक करके दिखाती हूँ, इसका बहुत ब्यूटीफुल लुक आता है। तो ये देखिए पतली है ये, आराम से चली गई है। इसको बस क्या करना होता है ना, इसको फिर ऐसे टाइट करना होता है, इसमें फंसाना होता है अंदर की तरफ, तो इसमें फंसा देती हूँ। तो ये देखिए टक हो गया ये, बट हम ऐसे पहनते नहीं है, लंबा वाला नथ पहनते हैं हमारी साइड। तो मैंने जस्ट ऐसे ट्रायल बेसिस पे दिखा दिया आपको। वैसे ये है इयररिंग, इसमें भी इसी तरीके का एक टकिंग सिस्टम बना हुआ है, बहुत सारी जो नोज रिंग्स होती है ना उसमें भी इस तरह का ये सिस्टम बना हुआ होता है कि आप इसको ऐसे करें और ऐसे अंदर की तरफ, तो ये ऐसे टक हो जाती है इजीली। तो जो नोज रिंग्स या नोज पिन होती है, बहुतों में ऐसे वाला सिस्टम भी होता है इस तरह का लगाने वाला। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा दिया है कि नोज रिंग और नोज पिन कैसे पहनी जाती है, और ये वाला भी दिखा दिया मैंने आपको, ये वाला नोजी भी दिखा दिया लास्ट में। तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताएं। अगर ज़्यादा ही पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।